हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल शूट माय स्टाइल ब्लॉग में। और आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए ट्रैवल का एक नया वीडियो। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल शूट माय स्टाइल ब्लॉग पर। आज मैं आपको फिर से उसी होटल को दिखाऊंगा जिसमें हम एक लास्ट टाइम आए थे। ये होटल पाल मरीना दिख हुआ, तो आज हम बिल्कुल उसी नंबर पे हैं जिस नंबर पे हम लास्ट टाइम ठहरे थे। हमने वही बुक कर दिया था पहले, क्योंकि हमें रूम बहुत पसंद आया था, ये होटल बहुत पसंद आया। आप देख रहे हैं जैसे कि रूम नंबर 51 और ये हमारे बाहर का नजारा रूम से। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम आपको दिखाया था कि जो हमारा होटल था ये बहुत ही अच्छा है, इसका एम्बियंस बहुत अच्छा है। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर ड्रॉर मिलेगी। आप देखिए किस वक्त हम यहाँ पे आए हुए हैं, वो आपको नीचे दिख रहा होगा लिखा हुआ। ये देखिए, आपको लॉकर दिया जाएगा, बहुत अच्छी सी अलमीरा आपको दी जाएगी। यहाँ पर प्रॉपर स्पेस आपको मिलेगा। आपको एक छोटा सा मिनी फ्रिज आपको यहाँ पर मिल जाएगा, दो कप मिल जाएंगे, कैटल मिल जाएंगे, आपका कुछ सामान अभी लाए जाएंगे। हमारे जस्ट क्योंकि थोड़ी देर पहले हम आए, हमारे बैग्स रखे हुए हैं यहाँ पर। ये आपको टेबल मिल जाएगी ग्लास की, ब्यूटीफुल एक कॉम्बिनेशन चेयर और टेबल्स का। इसके बाद आपको किंग साइज यहाँ पे सिंगल बेड मिलेगा, बस आपको प्रॉपर लाइट्स मिल जाएंगी। यहाँ पर एम्बियंस की हम बात करें तो काफी अच्छा है, आपको ऊपर भी यहाँ पे लाइट मिल जाएगी और आपको एसी भी प्रॉपर लगा हुआ मिल जाएगा आपको। बाकी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल फ्रंट होगा आपके रूम का, और ये कर्टन यहाँ पर होगी। आप अगर चाहें तो इस कर्टन को हटाकर पूरे पूरे मजे आप यहाँ से ले सकते हैं। इस तरीके से आपको देखिए, आपको सामने के रूम नजर आएंगे। आपको यहाँ पर दो आपको सिंगल सोफे मिल जाएंगे, एक ये रखा हुआ है, बस ये हमारा सामान रखा हुआ है, और एक ये सोफा आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और अगर मैं फ्रंट से बात करूँ तो कुछ कमरे का जो लोकेशन होगा वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। आप देख सकते हैं जिस तरीके से आपको आपका रूम आपका बेड आपको समझ में आएगा। और ये कॉर्नर से अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो आप देखिए कुछ इस तरीके का होगा। ये आपका टीवी, ये आपका वॉशरूम है, ये आपको भी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। और कुछ इस तरीके से आपका वो वहां से एंट्री है, मेन दरवाजा, और यहाँ पे आपका फिर ये बेड आ जाता है। तो इस तरीके से ये जो रूम है, ये रूम कुछ इस तरीके से डिजाइन है कि बहुत अच्छा लगता है। और अब हम चलते हैं बालकनी की तरफ। जो बालकनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी।
आप देखिए, आपको दो चेयर्स प्लस टेबल के साथ आपको बालकनी मिलेगी, तो ये आपका कुछ इस तरीके का एम्बियंस रहेगा। बालकनी काफी स्पेसियस, आप आराम से कम से कम 4 आदमी यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। और आपके रूम के सामने, मतलब जो रूम मैंने लिया है, अगर वही रूम आपको लेते हैं तो आपके बिल्कुल रूम के सामने स्विमिंग पूल पड़ेगा, जो कि स्विमिंग पूल ही है। पालमेरिना दीप हुआ, आप जैसे सामने देख भी रहे हैं बोर्ड पर, रूल्स रेगुलेशन लगे स्विमिंग पूल में, यहाँ पर बच्चों के लिए स्विमिंग पूल मिल जाएगा, बाकी बड़ों के लिए स्विमिंग पूल यहाँ पर मिलेगा। होंगी वो भी आपको प्रॉपर यहाँ पर मिल जाएंगी। एक बार मैं आपको ऊपर का लुक दिखा देता हूँ होटल का। हमारे रूम के ठीक सामने वहां पर जो मेरी उंगली आपको दिख रही है, वहां पर स्पा है दिवा वेलनेस, वो आप वहां पर भी आ सकते हैं। 50% का डिस्काउंट अभी चल रहा है। बाकी यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ये लोगों की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है जिन्होंने बाई की हुई है, ये थोड़ा सा सेपरेट एरिया है। तो बाकी आप, ये इनका मार्केटिंग का ऑफिस है, सामने आप जो देख रहे हैं यहाँ पर ये मार्केटिंग ऑफिस है। और इसके ठीक सामने जो आप वहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, टीवी आपको स्कूटी ले रखी तो वो आप खड़ी कर सकते हैं। और इसी बिल्कुल राइट हैंड साइड जस्ट इस हमारे कमरे के बिल्कुल अगर मैं बात करूँ पीछे की तरफ, तो वो रिसेप्शन है। और ये है चंचल, अभी हम थोड़ा सा आए हैं तो अभी यू नो हम लोग की शक्ल ऐसी बनी हुई है, तो अभी थोड़ी देर बाद हम भी स्मार्ट लगने लगेंगे, भी सुंदर लगने लगेंगे, उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे अपने चल के। और बाकी सामने आपको अगर पता हो तो हमने लास्ट टाइम भी आपको प्रॉपर किचन दिखाया था, तो वहाँ पर आप सामने देख रहे हैं दो लड़कियाँ फोटोशूट करा रही, तो वहाँ पर किचन है। रेस्टोरेंट भी कह सकते हैं, ब्रेकफास्ट आप वहाँ पे कर सकते हैं, डिनर आप वहाँ कर सकते हैं, डाइनिंग कॉकटेल्स आपको सब चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से बाकी रूम जो मैं यहाँ पर भी देख पा रहा हूँ सभी बुक हैं, क्योंकि सभी रूम के सामने चेयर प्रॉपर हैं और कुछ कपड़े सूख रहे हैं। तो प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ तो मेन प्रॉपर्टी आपकी यहाँ से शुरू होती है मसाज सेंटर से, और यहाँ से देखिए और यहाँ तक मेरा हाथ घूम रहा है, ये पूरी प्रॉपर्टी इनकी। और फिर सामने यहाँ पर है वो हमारी तरफ वाला लोकेशन। तो इस तरीके से जो प्रॉपर्टी है वो हमें अच्छी प्रॉपर्टी लगी, इसलिए हम दोबारा यहाँ पे आए। तो अभी तुम्हारा क्या कहना है भाई, ऐसी प्रॉपर्टी है कुछ बताओ अपना व्यू, ये तुम्हारी ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर प्रॉपर्टी अच्छी ना होती तो दोबारा नहीं आते, तो इसका मतलब ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी। I'm happy. मैं है गोवा में, गोवा में आपको देखिए खाना पीना मस्त, तो आदमी हर जगह खा लेते हैं राइट, लेकिन बात होती है रहने की, व्यू की, एम्बियंस की और शुद्ध हवा की, वो जो चीज़ यहाँ पे मिलती है ना, वो एकदम मस्त होती है, वो गोवा में ही मिलती है। और यहाँ पर गोवा में आके सही में बहुत मज़ा आ जाता है, और इसलिए हमने इस होटल को चूज़ किया क्योंकि ये जो होटल है ये बहुत अच्छा है। और ऑब्वियसली हर बार तो खैर आप एक होटल में नहीं आ सकते, बट हाँ जो होटल आपको अच्छा लगता है ठीक है तो बार जा सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर दूसरी बार आए हैं। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केटिंग के लोग यहाँ पर आने के लिए दिखाते रहते हैं यहाँ पर, और ये जो भाई साहब हम लास्ट टाइम भी आए थे तो लास्ट टाइम की मार्केटिंग यहाँ पर दिखा रहे थे लोगों को। तो आप जब यहाँ पे आओगे रूम के जो प्राइजेस हैं वो आप नेट से चेक कर सकते हैं, बहुत चीप एंड बेस्ट यहाँ पे रहता है, यही कहना चाहूँगा। और सीजन वाइज थोड़ा चेंज होता रहता है प्राइस में, तो वो आप यहाँ पर जब भी आए नेट पर चेक करें। लेकिन मैं इतना बता दूँ कि इस होटल की जो स्टार्टिंग रहती है वो अराउंड 2500 के आसपास की रहती है इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। और बिलीव करिए मेरे इस वीडियो को केवल देखकर कि इस आप रिजॉर्ट में जब भी आएंगे, बेसिकली दिस इज अ रिजॉर्ट, आप इस रिजॉर्ट में जब भी आएंगे आप मेरे वीडियो को देखकर अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप कभी निराश होकर नहीं जाएंगे, आपको ये रिजॉर्ट बहुत अच्छा लगेगा। ये है वॉशरूम, वॉशरूम भी अपने मैंने लास्ट वीडियो दिखाया था, बट इस बार भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, आप देख
दिख रहे हैं जैसे कि कोको डस्टिंग का बोर्ड डस्टबिन रखा हुआ, और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बात अलग है कि ये पानी पिछले साल भी यहाँ से टपक रहा था और ये इस साल भी पानी यहाँ टपक रहा है। इसके लिए हम लास्ट टाइम कंप्लेंट की थी बट बहुत ज़्यादा नहीं पानी ड्रॉप हो रहा था इसलिए हमने कुछ बोला नहीं। बाकी आप देखिए बाथरूम बहुत स्पेशियस है, नो डाउट बहुत अच्छा बाथरूम है, हमें तो मतलब पूरा रिजॉर्ट ही बहुत अच्छा लगता है। अभी तक हम इसमें कोई शिकायत भी नहीं है, तो इस साल आकर बस ये शिकायत है कि इस साल भी पानी टपक रहा है और इस साल भी पानी, और कोई हमें शिकायत नहीं है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ, फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।